फ्रेंड्स, कैसे हो सब? मैं नडियाद से पुनीता देसाई अमूल पेज पे आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैं एक फार्म फ्रेश एक्सोटिक पिज्जा लेके आई हूँ। एक्सोटिक फार्म फ्रेश पिज्जा लेने जा रही हूँ, मैं सिखाने जा रही हूँ। इसके लिए हमें अमूल का बटर, अमूल चीज एंड एक्सोटिक वेजेस हमें यूज करना है। इसमें मैं मशरूम, बेबी कॉर्न, रेड एंड येलो बेल पेपर ऐसे और ओनियन और टमाटर इतना मैं यूज करने वाली हूँ। तो पहले हम उसका सॉस बनाएंगे। वैसे ही हम घर पे आटा बना के डो प्रिपेयर करके भी हम बना सकते हैं, लेकिन ये प्रोसीजर बहुत लंबी हो जाती है। सो मैंने आज पिज्जा का जो रेडी बेस आता है वो लिया है। फिर कभी हम देखेंगे ना तो पिज्जा का जो डो है वो कैसे प्रिपेयर करते हैं वो देखते हैं। आज हम पिज्जा सॉस देखते हैं कैसे बनते हैं। फिर कभी दूसरी वैरायटी लेके आऊंगी, तब मैं आपको पिज्जा का जो डो है वो कैसे प्रिपेयर करना है और कैसे पिज्जा गैस पे बनाया जाता है वो सिखाऊंगी। अक्सर लोगों को प्रॉब्लम ये होता है कि घर में ओटीजी नहीं होता है, तो ऐसे वक्त पे हम पैन में कैसे प्रिपेयर करते हैं पिज्जा, वो आज मैं पैन में ही, तवे पे या पैन में ही आपको पिज्जा सिखाने वाली हूँ। तो इसके लिए इसमें थोड़ा सा लहसुन, आप उसे चॉप करके भी ले सकते हो एंड आपको उसे पेस्ट वाला फॉर्म में लेना है तो भी आप ले सकते हो। मैंने अभी पेस्ट वाले फॉर्म में लिया है और मेरे वेजीज है वो ब्लैक ना हो जाए इसलिए मैंने उसे फ्रिज में रखे हैं। मैं लेके आती हूँ। मशरूम तो बहुत ही काले हो जाते हैं। ये मैंने ओनियन लिया है चॉप करके, बहुत बारीक कट कर लिया है मैंने उसे। मटर ज्यादा ना हो जाए इसलिए मैंने उसे अभी स्विच ऑफ किया है फ्लेम को। इटालियन पिज्जा है, हाँ।
ले सकते हो, और आप ऐसे कच्चे टमाटर को बीच में से स्प्लिट करके ऐसे उसे बॉईल करना है, और वैसे उसकी प्योरी भी आप बना सकते हो। मैंने इतनी जो हमारा ओनियन है उसे इतना किया है, ओनियन और लहसुन। मैंने ये टमाटर को बॉईल करके रखे हैं, ये एक कप जितना टमाटर है मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। अच्छी तरह से कुक करने हैं हमें, वैसे बॉईल किया हुआ है। हम गुजराती हैं तो थोड़ा हमें स्वीटनेस चाहिए, वैसे इटालियन पिज़्ज़ा में स्वीटनेस नहीं जाता, लेकिन मैं एक टीस्पून जितनी शक्कर ऐड कर रही हूँ, शुगर। नमक एज पर टेस्ट। और वैसे थोड़ा आप शुगर ऐड करोगे तो उसका जो कलर है ना वो भी बहुत बढ़िया आएगा। ये चिली फ्लेक्स वो भी 1 टीस्पून, वो रेड वाले पाउडर का पिज़्ज़ा से। पिज़्ज़ा सीज़निंग, ये रेड चिली पाउडर है कश्मीरी, और आपको जो ज्यादा कलर चाहिए तो आप थोड़ा सा चिली पेस्ट आती है फ्रेश चिली की, उससे उसका कलर बहुत बढ़िया आता है, तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। ये कुक हो रहा है तब तक मैंने एक सॉस का, पिज़्ज़ा सॉस का वर्जन रेडी रखा है। मैं आपको पिज़्ज़ा पे असेंबल करना दिखाती हूँ। उसे मैं उसके ऊपर बटर अप्लाई करती हूँ। दोनों साइड पे बटर अप्लाई कर देती हूँ।
शुगर का जो पानी रिलीज होता है मॉइस्चर, वो चला जाए तब तक हमें कुक करना है। और ये मैंने एक टेबल स्पून जितना केचप डाला है, इससे उसका टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। अब मैं फिर पिज्जा लेके आऊंगी ना, तब आपको इंस्टेंट जो बिना सॉस के सिखाऊंगी और डो सिखाऊंगी उस वक्त। इतना गाढ़ा करना है हमें। और हाँ, किसी को चमकी चाहिए तो आप लोग उसमें प्याज को थोड़ा ज्यादा, लेकिन मुझे चमकी चाहिए। किसी को जो क्या बोलते हैं कि स्मूथ चाहिए, तो आप लोग प्याज को थोड़ा ज्यादा कुक करके उसके बाद में केचप को ऐड कर, अरे सॉरी, टोमेटो प्यूरी ऐड करनी है। ओके, ये हमारा तैयार हो गया है पिज्जा सॉस। प्री प्रिपरेशन हो तो आपको ये बनाने में कोई देर नहीं लगती है। अब मैं इसी पैन को, ये पैन गरम है, आप तवे पे भी कर सकते हो, लेकिन मेरा पैन गरम है ना, तो मैं उसी में जो पिज्जा है वो असेंबल करके रखूंगी। तब तक मैं उसे थोड़ा गरम करती हूँ, जैसे हम ओटीजी को गरम करते हैं ना, प्रीहीट करते हैं, वैसे मैं उसे प्रीहीट के लिए रख रही हूँ। अभी मैं उसे ढक देती हूँ, कवर कर देती हूँ, और उसके बाद में मैं जो पिज्जा है वो असेंबल करती हूँ। ये रेडी हो गया है, तो मैं ये जो हमने फ्रेश बनाया वो भी ले ली। ये भी सुबह का ही है, नो वरीज। ये हमने प्रीहीट करने रखा है ना, तो हम जब ये पैन में रखेंगे तो उसका कुकिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा, बेकिंग प्रोसेस। मैं मोज़रेला अमूल का ले रही हूँ। अमूल की मोज़रेला चीज ले रही हूँ, वो डाइस की हुई रेडी आती है।
में भी मिलती है, तो आप घर में लाके स्टोर कर सकते हो। उसके साथ साथ में हमें प्रोसेस चीज भी लेनी है। ये सब बहुत हेल्दी वेजिटेबल्स है जो हमारे बॉडी को बहुत फायदा करता है। मैंने ये मशरूम है उसको अच्छी तरह से थोड़ा से बटर में सौते कर लिया है। मैं मशरूम रख रही हूँ। अब ये रेड एंड येलो बेल पेपर एंड बेबी कॉर्न लिया है, वो भी मैं रख रही हूँ। अब रेड बेल पेपर लेती हूँ। जुड़े हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना। और हम जो रेसिपी बनाते हैं सेशन में वो आप सबको कैसी लगती है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखना। ये मैं ओनियन की भी मैंने स्लाइस कर दी है, वो भी मैंने एक एक ओनियन ले रही हूँ। मैंने ऑलिव्स लिए हैं, ये तो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। पिज्जा भी 10 इंच 8 इंच आता है, ये मेरा 6 इंच का पिज्जा है, रेगुलर पिज्जा है। ये फ्रेश बेजिल लीव्स है, इसके इससे हमारा जो पिज्जा है उसका जो टेस्ट है बहुत बढ़िया आएगा। वो मैं थोड़े से बड़े हैं तो मैं थोड़े हाथ से ही कट कर देती हूँ। फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होती है। अब मैं ये अंदर जाने दिया मैंने।
पिज्जा तो बच्चों का, बड़ों का, सबका बहुत फेवरेट होता है। इसमें मैं वेजीज के और चीज के दोनों के डबल लेयर कर रही हूँ। बच्चे को डबल चीज वाला बहुत अच्छा लगता है, तो ये डबल चीज और डबल वेजिटेबल्स। चीज ज्यादा खानी तो वेजिटेबल्स भी ज्यादा खाने ही पड़ेंगे ना बच्चों को। उसके ऊपर टमाटर भी आप ले सकते हो, लेकिन मैं रेड कलर में मैंने कैप्सिकम लिया था तो मैंने टमाटर नहीं लिया है। आप वो भी स्लाइस करके ले सकते हो। देखो ये बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है चीज, जैसे ओवन में बनता है वैसा ही हुआ है। इसमें मैंने सिर्फ मोजरेला लिया है और इसमें मैंने मोजरेला और प्रोसेस दोनों का यूज किया है। बिना ओवन के भी इतना बढ़िया पिज्जा हम घर पे बना सकते हैं। देखो ओवन जैसा ही टेक्सचर आया है ना। अब मैं उसे आपको कट करके दिखाऊंगी। उसके ऊपर ये मैं ऑरेगानो, चिली फ्लेक्स एंड पिज्जा सीजनिंग ये मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ। और आपको ज्यादा थोड़ा तीखा चाहिए तो आप ज्यादा चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर सकते हो, जैसे मैंने उसमें डबल चीज बनाया वैसे ही। अब मैं इसे पैन में जाने देती हूँ। ये आपको अभी नहीं दिखा रही हूँ, सेशन मेरा बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने आपको असेंबल करके दिखाया है, वैसे ही जैसे ये मेल्ट हुआ है चीज वैसे ही ये भी मेल्ट हो जाएगा। ओके, तो मैं इसे पैन में जाने देती हूँ।
पिज्जा कटर से कट करती हूँ। छोटी साइज का पिज्जा है तो मैं अभी चार ही कर रही हूं इसका। देखो बहुत बढ़िया लगता है। आशा रखती हूँ सबको रेसिपी अच्छी लगी होंगी। आप सब बनाएंगे, कमेंट बॉक्स में रिव्यू सेंड करेंगे। आज मेरा ये सेशन यहाँ पे फिनिश हो रहा है। वैसे मैंने टोमेटो प्योरी लिया था 1 कप, उसके अंदर मैंने थोड़ा सी शक्कर, केचप, ओनियन एंड लहसुन उसे सौते करके मैंने उसे कुक किया है। और टमाटर आप कच्चे या बॉयल ले सकते हो। और पिज़्ज़ा के ऊपर मैंने केचप, चीज़ एंड वेजिटेबल्स का लेयर करके एक बार डबल लेयर भी किया और उसके साथ मैंने पिज़्ज़ा कंप्लीट किया है। उसमें मैंने एक्जोटिक वेजेस यूज़ किए हैं जो बच्चों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बड़ों के लिए भी अच्छे होते हैं, जो सारे विटामिन से भरपूर होते हैं और हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं। आज ये प्लेटफॉर्म देने के लिए दीपा मैम, अभिषेक सर और शशांक सर का और अमूल टीम का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो सबका भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। टेक केयर, हैप्पी कुकिंग एंड बाय बाय।